हर कोई होगी। मेरे नेम से ही आ गया अंदर। ये वही है जो आपके नाम से शोर मचा रहा है बैठ के ना, जिसका काम ही यही। जी सर, क्या नाम है आपका वो बताइए। मेरे है सर मेरे मुझे नहीं आउट कर दिएगा सर, आप क्या? ऐसा करें सर, सर सिक्योरिटी में जाके ना, सिक्योरिटी में जाके लॉक कर दे मीटिंग, किसमें जाके? सिक्योरिटी स्क्रूटनी, में। यस सर, सिक्योरिटी। पहला ऑप्शन है लॉक नहीं मीटिंग तो का। ज़्यादा बेहतर है किसी, यानी कि स्टूडेंट को आप ये दे देना अथॉरिटी, सीआर बना दें या फिर ताकि वो देख लें। चलो चलो किसको बना दूं सी यार, मैंने तो अभी तक आप लोग को पहचाना ही नहीं। हसनात को बना दें, हसनात असनाथ इफ यू खान वांट। है? ये झगड़ालू लड़की है जिसका काम सिर्फ लड़ना है, ये अभी से बता रही है कि मैं किस टाइप की हूँ। सर मैं चल नहीं हूँ भाई, क्या हो गया? सही कोई और सर, कोई और है वो मुझे क्या पता है, मैंने आपका नाम मेरे, सुना। ये जो भी है वो मेरे नाम डीपी से आ ब्लैक गया एंड है व्हाइट लगी हुई है उनकी, सर। उनको बात सुनो, निकाल दें। अच्छा आप चलिए, सर अभी मीटिंग लॉक मैं कर दें सर, सुन ले दोबारा एंड सुन नहीं ले होगा। सुन ले सुन किसी ले और को बना सुन दे। ले, चले असनाद नहीं बनना जा रहा। नहीं नहीं हो जाएगा सर, हसनाद से पूछ लें, बन असनाद, जाएगा। असनाद बताओ, वेरियस असनाद। यस सर सर, ये मेरे नाम से मैसेज आ रहे हैं चैट हसनाद में, जबकि मेरे तो मैसेज आप किए ही सीआर बन नहीं। जाओ ना यार, देख लो अगर आपको सही लगता है तो। यस सर, बन जाएंगे, नो इशू। किस कौन बात कर रहे हैं? असनाद, असनाद बात कर रहे हो सर, तुम? डीपी चले चेक करे, दो जी नाम जी से आ रहे सर, हैं। आप इसको कंट्रोल करें, शोर शराबा है ना, इसको बंद करें, इसकी मीटिंग करें। सर जब तक तो होस्ट नहीं होऊंगा तब तक नहीं बन कर सकता। हसनाद सर आप न्यू डीएलबीए मीटिंग बना लो या फिर दानियल बराबर को वो बना बना ले। लें। क्या हो गया सर? दानियल को बना ले, सीआर वो सही बन जाएगा। तुम नहीं बनना चाहते तो बोलो ना, मैं उससे पूछ तो रहा हूँ, बनना है या नहीं, तो कौन नहीं बन सकता, छोड़ दो। यस डू दानियल, वेयर इज दानियल? दानियल आर यू लिसनिंग मी? हेलो, यस सर, दानियल को भी मैं बोलता हूँ, मैं मैसी करता है यस सर, सर, ये यस है मीटिंग में सर, शायद। दानियल है ना मीटिंग में, क्यों नहीं, मसला है इसको? यस सर, मीटिंग में हो सर, होस्ट बनाएंगे तो सर कहते कंट्रोल होगा। अच्छा, अब होस्ट कैसे दानियल की बना, सर का यार कंट्रोल। होस्ट कैसे बनाऊं तुम्हें? सर आप सर पार्टिसिपेंट्स में जाएं, वहां पे पार्टिसिपेंट ऑप्शन में आ रहा जाएं, होगा एक मिनट, म्यूट और ये सब आ रहा होगा ना, तो आप उनको दे दो। ये लोग पार्टिसिपेंट्स में आ गया। अब जिसको बोलो सर, यहाँ बनाना, पे जिसको मैं बनाना है एक उसके ऊपर होस्ट कर क्लिक देंगे। करें। अब बोलो लड़का क्या बोल रहा है, बताओ। सर ये तो बदतमीजी कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? मैं ये चैट पे जो देख भी रहा, है ना वो चैट पे अपना जैसे कि मैं फैमिली ऐसे चैट। बैकग्राउंड, सब लोग मत जो बोलो, भी है अपना सब फैमिली खामोश बैकग्राउंड हो बता जाए, रहा है। सब लोग खामोश हो जाए। अब ये मैं सिर्फ दानियाल से बात करूँ, दानियाल अभी क्या करना है? मैंने पार्चमेंट खोल दिया, व्हाट टू यस डू, सर, अब क्या सर करना? पार्टिसिपेंट में जाएं सर, मेरे नाम पे जाके सर आप मोर पे करें और वहां पे मेक होस्ट कर दें एक मिनट, तुम्हारे नाम पे जाके क्या करूँ? सर, क्लिक मेक करो, होस्ट कर दें। इसको क्लिक करो पहले। यस सर, दानियाल इफ्तिखार, कहाँ लिखना है इसको? कहाँ लिखना है इसके बाद? सर यहाँ पे साइड पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे जाके आप मेक होस्ट कर दें। कहाँ आ रहा है? मेरे पास तो नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे। अच्छा हाँ, मोर, ठीक है, लो जी कर दिया। दानियाल चलो तुम होस्ट हो गए, देख रहे हो? हाँ कौन है सर? सर बनाओ। अब ये जो लड़की शोर कर रही है ना, इसको तुम जरा गर्दन से पकड़ के मेरे पास ले आओ। मुझे नहीं निकालना, अल्लाह के पास मुझे नहीं निकाल अगर देना। अगर ब्लैक आपकी एंड व्हाइट अभी डीपी है उसकी। आपकी माइक से आवाज आ रही है तो आप ही को निकालना पड़ेगा। अच्छा सर मैं नहीं हूँ। नो सर, वो ब्लैक एंड व्हाइट डीपी है, देख चलो, लें हम। अब ठीक है, सर कर दानियाल दिए मीटिंग लॉक, सर मीटिंग लॉक कर दिए। बस ठीक है, अब बाहर से कोई नहीं आएगा, सही है, डन। यस सर, चलिए अब मैं करता हूँ, शुरू करते हैं। मतलब देखो कितना टाइम जाया किया।
नॉनसेंस रखी है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग? कौन सा ये स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। नजर आ रही है? यस सर, शो हो रही है स्क्रीन। यस सर, आ रही है। अच्छा, मेरे पास इसे गायब हो गई। चले, ओके। देखिए, आपके सामने ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये सर, मैंने किसी ने ज्वाइन किया हुआ है फेक अकाउंट से, नौमान हुसैन के नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ फेक अकाउंट से। हाँ, मैं उसको कर रहा हूँ। मैं इसकी जरा गर्दन बंद करो, बदतमीजी किए जा रहे हैं। इनका काम यही है कि खुद ना पढ़ना, ना दूसरों को पढ़ने देना, बदतमीज लोग। ओके, यू हैव बीन गिवन दिस पावर, देन आई विल कंट्रोल इट। ओके सर। ओके जेंटलमैन, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला इस वक्त आपके सामने है। आर कॉस ऑफ थीटा प्लस ये के टाइम्स 360 डिग्री, ये भूलिएगा नहीं किसी भी सूरत में। फिर आपने पावर 1 बाई एन लेना है, तो आर की पावर 1 बाई एन, और इस पूरे 1 बाई एन को पूरे एंगल से मल्टीप्लाई करना। एंगल वो है जो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्या है? के थीटा प्लस के टाइम्स 360, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इस पूरे को इसकी पावर क्या है इस वक्त हमारे पास? 1 बाई एन। अगर ये 1 बाई 6 है तो यहाँ 1 बाई 6 आ जाएगा, डन। प्लस आयोटा टाइम्स अगेन साइन, और फिर ये पावर यहाँ आ जाएगी। यानी एम्पलीट्यूड इज टू बी मल्टीप्लाइड विद द पावर। ये एम्पलीट्यूड है आपका, या जिसको आर्गुमेंट भी आप कहते हैं, इसको पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पावर विल बी रेज्ड टू द मॉडुलस। मॉडुलस इज योर आर, आर पावर वन बाय एन। के की वैल्यू क्या होगी? सुन लें, के की वैल्यू जीरो से शुरू होगी, 1, 2, 3, और ये जो भी पावर एन नीचे लिखा हुआ है ना एन, इससे एक कम लेना है। इससे एक कम लेने का वजह यह है कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये होंगे एन रूट्स ही होंगे सारे, टोटल एन है। देखो, अगर यहाँ पे है ना 4, तो आप लेंगे 0, 1, 2, 3, रूट्स कितने बन गए? 4 ही बन गए ना, ठीक है। लेकिन 4 से एक कम लेंगे, 0 से शुरू करेंगे तो 0, 1, 2, 3, इफ इट इज 4। इज द फॉर्मूला क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दो फॉर्मूलाज बताए डी मोरिस थ्योरम के। एक है फॉर द पावर, ये जो ऊपर लिखा है। पावर के लिए तो बड़ा आसान है, आर की पावर एन कर दें और थीटा को एन से मल्टीप्लाई कर दें, नथिंग डूइंग। लेकिन रूट के लिए आपने के टाइम्स 360 डिग्री थीटा में पहले ऐड करना है, और फिर डी मोरिस थ्योरम लगानी है। आर के ऊपर ये पावर बनाएंगे 1/n, और ये हमारा एंगल है थीटा प्लस के टाइम्स 360। इस पूरे को आपने 1/n से मल्टीप्लाई करना है। के को हम ले जाएंगे, एक कम करेंगे, अगर 4 है तो 3 पे रुक जाएंगे, 7 है तो 6 पे रुक जाएंगे, डन। जीरो से स्टार्ट करना। लेट मी डू वन क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज। एक्सरसाइज 11.5 जो मेरे पास बुक है, और उसमें ये एक्सरसाइज 1 से 12 तक आपने क्या करना है? यूज डी मोरिस थ्योरम टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर्स, एक्सप्रेस द आंसर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। उसने कहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में अपना आंसर निकालना। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन है। देखिए, अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर था, अब उसकी पावर 4 आ रही है, 7 आ रही है, 10, 20 कुछ भी आएगी। अगर 20 हो तो ना आप इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, और ना ही इसको आप 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम होगा ना, गलत हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली थ्योरम व्हिच इज नोन एज डी मोरिस थ्योरम व्हिच कम्स हियर टू सिंप्लीफाई सच प्रॉब्लम्स। अब आप सबसे पहले पावर को भूल जाइए, इसको भूल जाए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उसको पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो फर्स्ट वी एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। क्या करते हैं पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए? इस पूरे को हम इक्वेट करते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई से। एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, एक्स इज -2 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 2√3, डन। ठीक है ना, ये तो बार बार करते आ रहे हैं। आर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कीजिए -2 का स्क्वायर और 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस के साथ देखिए माइनस स्केल लेने के बाद प्लस हो जाएगा। इसका स्केल लेंगे तो ये तो 4 बन जाएगा, लेकिन इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 × 3 ये बन जाएगा 12, 12 प्लस 4 16, इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ गया 4। ये
मॉडुलस इज इक्वल टू 4, यानी इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। अब ये थीटा, पहले आप इसको प्लॉट करेंगे इस पॉइंट को, पॉइंट हमारा है -2 + 2√3, अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट कर लें यहाँ से यहाँ तक माइनस टू है और ये 2√3 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो जी आप पॉइंट टू प्लॉट कर लें, पी इज -2 + 2√3 आयोटा। मैंने कहा था यहाँ से हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, ज्वाइन कीजिए इस पॉइंट को ओरिजिन से, ये जो एंगल बनेगा रेफरेंस ट्राइंगल के अंदर दिस इज योर अल्फा, ठीक है। अल्फा निकालते वक्त मैंने कहा था आप साइंस को भूल जाइए, माइनस साइन को भूल जाए, सिर्फ अल्फा इज टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टेंजेंट इनवर्स वाई इज 2/√3 एंड डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, टेंजेंट इनवर्स √3, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। चूंकि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम अल्फा को क्या करते हैं 180 से माइनस करते हैं, तो 180 - 60 दिस कम्स टू बी 120 डिग्री डन। अब आप अपने रेक्टेंगुलर नंबर को पोलर फॉर्म में लिखे, आर इज 4 एंड थीटा इज 120 डिग्री, लिख दिया 4 cos 20 डिग्री प्लस आल्टा साइन 120 डिग्री, ये सारा रेक्टेंगुलर पोलर में चाहिए। अब हम असल में इंटरेस्टेड किस चीज में है, क्वेश्चन है आपका इसकी पावर 4 लेनी आपको, ठीक है। तो वंस यू एक्सप्रेस योर कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म, तो दोनों साइड पर पावर 4 ले लीजिए, नाउ टेकिंग पावर 4 बोथ साइड्स, इसकी पावर 4 कीजिए, ओके। ओके जेंटलमैन, द पावर इज 4, ठीक है, और यहाँ पे भी पावर 4। अब लगा दीजिए तो राइट साइड पे डी मोरिस थ्योरम, ये आपका आर है ना, तो आर की ये पावर इस पे आ जाती है, और ये जो एम्पलीट्यूड है इससे आप 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तरीका है ना, यहाँ में लिख गया दोबारा मैंने, नाउ यूजिंग द डी मोरिस थ्योरम द मॉडुलस इज रेज टू दैट पावर एन एंड द एम्पलीट्यूड इज मल्टीप्लाइड विद द पावर एन, ओके, करेंगे ये तरीका यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड तो यही रहेगी सेम, राइट साइड पे ये 4 की पावर 4 हो जाएगा, और cos 120 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसी तरह sin 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, एंगल बन गया 480 डिग्री, तो 4 की पावर 4 ये तो बन गया 256, चेक कर लीजिएगा, आई होप। और इसको देखिए मल्टीप्लाई किया तो 480 डिग्री साइन 480 डिग्री, ये बहुत बड़ा एंगल, इसको जरा मैं छोटे एंगल में चेंज करो, इक्विवेलेंट होता है ना स्मॉलर एंगल में, तो 480 जो होता है ना 360 पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, और 360 के बाद ये आगे कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, ये 120 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक 120 डिग्री, ये 60 डिग्री इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसी बात, ये आप सीधा सीधा डायरेक्ट खाके वैल्यू रख दीजिए, कहाँ से कैलकुलेटर से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, आपका कैलकुलेटर डायरेक्ट आंसर देगा cos 40 डिग्री एज -1/√2 और sin 40 1/√2, ठीक है, अप टू 56 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा अंडर रूट की फॉर्म में और डेसिमल की फॉर्म में, ये आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। यानी इसकी पावर अगर 4 लेंगे हम तो दिस विल बी द रियल पार्ट एंड दिस विल बी द इमेजिनरी पार्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को, जी एनी क्वेश्चन नॉट क्लियर टू एनीबॉडी, किसी को समझ नहीं आया, आ गया, गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये पावर 6 है, देख लीजिए, तो इक्वेट कीजिए क्वेश्चन 11 है, ठीक है, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, एक्स हो गया 1/2, वाई हो गया -3 √3/2, ठीक, आर निकालेंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेके अंडर रूट कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4, 4/4 अंडर रूट लेके तो 1, ठीक है, आर इज 1। अल्फा निकालेंगे, अल्फा निकालने के लिए मैंने कहा दोनों को पॉजिटिव कर लें, अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड 1/2, 1/2 नीचे दिनों से कट जाएगा, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 और ये होता है 60 डिग्री। क्वाड्रेंट को प्लॉट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है,
पहला रियल पार्ट पॉजिटिव है और मेनी पार्ट नेगेटिव है, दिस इज योर पॉइंट पी। अब ये अल्फा आपने निकाल लिया 60 डिग्री, मैंने कहा था ना फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपकी रेफरेंस ट्रायंगल बन रही है देन यू सबट्रैक्ट अल्फा फ्रॉम 360, तो टोटल है 360 माइनस 60, आंसर इज कमिंग टू बी 300। तो ये एंगल आपका, ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया cos 300 प्लस आयोटा sin 300। अब इसकी पावर लेंगे 6 raising power 6, ये 1 तो लिखना बेकार है, किसी चीज से 1 को मल्टीप्लाई करें हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं बताना चाह रहा था अगर कुछ और होता 1 के अलावा तो ये हम पावर पहले इसके ऊपर लगाएंगे 1 power 6 और फिर ये एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 1800 जो है ये कितनी दफा चक्कर लगा रहा है, 5 times 360, यानी 360 को 5 चक्कर लगाएंगे तो ये 1800 मुकम्मल हो जाएगा। 360 इज एज गुड एज जीरो, याद रखिएगा मैं इसको 1800 को छोटे एंगल में ला रहा हूँ, तो 1800 इज एज गुड एज जीरो डिग्री एंगल, साइन जीरो जीरो होता है कॉस जीरो वन होता है, ये हो गया जीरो और ये हो गया। तो इस पूरी की पावर 1/2 - √3/2 आयोटा इसकी पावर 6, आप इसको 6 दफा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 1। ठीक है, देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए टेबल बनाने का तरीका बताया, ये गौर से देखिए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं वो बार बार आपके पास सामने आ रहे होंगे, ये तो इंपॉर्टेंट एंगल कौन कौन से हैं, 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, ये घूम घूम के आपके पास क्वेश्चन में आएंगे। पहली रो में लिखें साइन, दूसरी रो में लिखें कॉस, और आपको होल नंबर पता है ना, बताया था मैंने नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, अगर 0 से शुरू करें तो ये होल नंबर कहलाता है। पहले आप ये 5 होल नंबर लिखिए साइन की रो में, 0, 1, 2, 3, 4, इन्हीं को लिखें 0, 1, 2, 3, 4 रिवर्स ऑर्डर में, सबको नीचे 2 से डिवाइड कर दें, यानी एवरी नंबर यू डिवाइड बाय 2 एंड टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर नंबर। ये देखें मैंने तमाम नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दिया और ऊपर वालों का अंडर रूट ले लिया, बस ये वो वैल्यूज हैं जो हम सारी उम्र रखते रहते हैं और याद नहीं होती। अब देखिए आगे अगले स्टेप में मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 0 का अंडर रूट 0 रहेगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 विल रिमेन 0, तो साइन 0 0, 1 का अंडर रूट 1 होता है तो 1/2, इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे, देखें किसी 2 को 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं, 1 2 कट जाएगा तो अंडर रूट 2 ओवर 2 कैन बी रिटन एज 1 बाय अंडर रूट, ये तो आपको आना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया साइन और कॉस दोनों के लिए 1 बाय अंडर रूट, अंडर रूट 3 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 3 बाय 2, अंडर रूट 4 का आंसर होता है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, सेम नंबर नीचे है तो ये भी हो गया 0, 1/2, सारे ऐसे। अब टेंजेंट कैसे निकालते हैं, साइन अपॉन कॉस, ये पता है अगर टेंजेंट 30 निकालना है तो साइन 30 और कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटा और 1/√3, तो टेंजेंट 30 इज 1/√3, अगर मैं टेंजेंट को उधर ले जाऊंगा तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इसके बराबर होगा 30°, ये है। तो अगर मैं कहूँगा टेंजेंट इनवर्स 1/√3 तो कितना एंगल होगा 30°, इसी तरह टेंजेंट इनवर्स √3 वो कितना होगा 60°, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा 90°। देखिए ये इतना आसान टेबल आपको मैंने तरीके से समझा दिए कि खुद भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर आप बना सकते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। आप सबके माइक्स बंद हो गए क्या, म्यूट हो कर दिया आप सबने, दानियाल सबको म्यूट कर दिया है या क्या किया? नो सर। हाँ, अच्छा, नहीं सर, म्यूट नहीं किया हुआ। ठीक, म्यूट नहीं किया हुआ सर। चलो ठीक, अच्छा ये बताइए ये टेबल समझ में आ गई ना अच्छी तरह, क्योंकि आपने इस्तेमाल करनी है बार बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस टेबल में? ओह, स्टेप बाई स्टेप बनाइए आपके लिए, देखें पहले 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 2 से डिवाइड किया, ऊपर वालों का डूट लिया, बस सिंप्लीफाई किया, टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस, एक मैंने मिसाल दे दी आपके सामने, गॉट इट और नॉट, बोलते भी जाए समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहा है?
चलिए जी, अब फिफ्थ रूट सिक्स्थ रूट निकालना, ये कैसे निकालेंगे जरा देखो। अब वो जो आखिरी फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना कि nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पावर 1/n जहां ली थी, अब उसका इस्तेमाल आ रहा है। और से देख लीजिए एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द फिफ्थ रूट्स, ये होंगे पांच ही मगर इसको हम कहते हैं फिफ्थ का मतलब होता है 1/5, फिफ्थ रूट्स ऑफ 32 आयोटा इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। फिर ये कहता है आंसर आपने निकालना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में जी। एक्स प्लस आयोटा वाई हमने क्या लिया, 0 + 32 आयोटा, हमने इसमें रियल नंबर 0 ऐड कर दिया क्योंकि हमारा 0 नहीं था, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसको कंपेयरिंग करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई से तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 32। आर निकालिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 32 ही आएगा आंसर क्योंकि पहला पार्ट 0 है, इसका स्क्वायर लेके फिर अंडर रूट लेंगे 32, आर इज 32। अल्फा निकालना है टेंजेंट वाई अपॉन एक्स, टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स इंफिनिटी, इन्फिनिटी हो गया 90 डिग्री, देखो यहाँ से हमारा घूमेगा यहाँ तक जहाँ पर हमारा ओपी बनता है उसके साथ टच करना है आपको, तो 90 डिग्री एंगल। तो चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं लिहाजा थीटा और अल्फा बराबर होते हैं यहाँ पे इस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए 32 आयोटा इस कैन बी रिटन एज 32 टाइम्स कॉस 90 प्लस आयोटा साइन 90, पोलर फॉर्म में होगा यार साइन थीटा प्लस आयोटा और cos theta plus iota sin theta, theta की वैल्यू रख दी हमने 90 डिग्री। पहले तो हमने इसको 32 iota को पोलर फॉर्म में चेंज किया, ये बन गया। अब हमने इसकी पावर क्या लेनी है 1/5 फिफ्थ रूट्स है ना, बिफोर वी फाइंड द फिफ्थ रूट्स वी विल ऐड द जनरल एंगल, मैंने कहा था ना k टाइम्स 360 जरूर ऐड करना है, एंड देन टेक पावर 1/5 for the fifth roots by applying the De Moivre's theorem. तो देखिए इसकी पावर 1/5 क्या होगा 32 cos 90 plus 36 dot k plus iota sin 90 plus 36 dot k, सब की पावर 1/5, r की ये पावर बन जाएगी 1/5, r हमारा 32 की पावर होगी 1/5 और एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो अप्लाइंग दिस De Moivre's theorem तो cos of 1/5 ये एंगल था हमारा प्लस आयोटा साइन, ये फिर पावर इधर आ गई 1/5 और ये एंगल, k की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा था ये जो नीचे लिखा होगा नंबर उससे एक कम, यानी k होगा 0, 1, 2, 3, 4, ये वैल्यूज टोटल पांच ही हैं, आप देख लें पांच ही रूट्स बनेंगे लेकिन इससे एक कम लिखेंगे बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। चलिए शामश, अब और इवेलुएट कर लें तो थोड़ा सा आसान हो गया काम। अब 32 को लिख सकते हैं 2 की अब पावर 5, 32 होता है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सिंपलीफाई होकर आंसर बचेगा 2। डन, इस 5 को मैं सबके नीचे लिख रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना, 1/5 का होता है 5 विल कम इन द डिनोमिनेटर, ये पूरा एंगल बन गया। इसको हम जेड के से डिनोट कर लेते हैं, लेट जेड की कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है के इसका सब्सक्रिप्ट में लिखे, सारे रूट मैंने कहा था ना के क्या क्या होंगे, के विल बी फ्रॉम 0 to 0, 1, 2, 3। आइए व्हेन के इज 0 तो z 0 के को 0 रख दो, क्या बच जाएगा 90 by 5 प्लस आयोटा साइन 90 by 5, कैलकुलेट किया डिवाइड किया तो ये 18 आ गया, साइन 18 और कॉस 18 आप टेबल से देख के सॉरी अपने कैलकुलेटर से देख के इसकी वैल्यू रख दें और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये जो नेट आंसर आया ना ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ योर फर्स्ट रूट 1.9 प्लस 0.62 आयोटा, ये आंसर आ गया पहले रूट का। सेकेंड रूट 1k इज 1, अब k को 1 रख दें इस फॉर्मूले में, जब k 1 है तो ये 360 रहेगा, 360 में 90 ऐड करें ये हो गया 450 divided by 5 plus iota sin, ये भी 450 हो जाएगा divided by 5, 5 से divide कीजिए ये 90 हो गया, cos 90 होता है 0 और sin 90 होता है 1, तो ये iota बन जाएगा खाली, तो 2 times iota, ये आपका second root आ गया। third root के लिए k को 2 रखो,
टू के को टू रखेंगे 720 हो जाएगा, 720 प्लस 90 ये हो गया 810 बाई 5, 810 बाई 5 डिवाइड करें 5 से 162 डिग्री इसकी वैल्यू रखें आपके कैलकुलेटर से उठा के तो ये आंसर आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने दिस इज योर थर्ड रूट माइनस 1.9 प्लस 0.62 आयोटा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गई ठीक है। के इज 3 रखिए 3 0 0 3 6 18 3 3 9 और 1 10 108 और इसमें ऐड कर देंगे एंगल 90 का तो 1170 एंगल बन गया। फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिए 234 आ गया, कैलकुलेटर से वैल्यू रखिए ये आई 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको ये आपका आंसर आ गया माइनस 1.18 और माइनस 1.62 आयोटा। इसी तरह आप के को 4 रखें 2 तो बाहर 2 ही रहेगा, के को यहाँ 4 रखा 4 से मल्टीप्लाई किया 90 ऐड किया ये आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 306 आ गया, वैल्यू रख दी ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई कर दें दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द लास्ट रूट। हो अब देखिए इसको हम अर्गन डायग्राम पे कैसे शो करते हैं, तो ऑल द फिफ्थ रूट्स मैंने अलग करके यहाँ लिख दिए, ये 5 ये भी यहाँ पे आंसर आ रहा था ना, अगर सा क्लियर नहीं था तो आई हैव मेड इट क्लियर एट दिस साइड, अच्छा होता है एंड पे आंसर। इसका तरीका क्या होता है कि आप सर्कल लगाएं एक्स वाई एक्सिस सेंटर में, ये बना के पहला एंगल है देखिए उसके साथ एंगल क्या बन रहा था 18 में ये जीरो है तो यहाँ पे एंगल आ रहा था 18, चलिए आप एंगल 18 बना दीजिए ये आपका जेड जीरो है और इसका आंसर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये लिख दिया। फिर जेड वन जो था वो 2 आयोटा था, 2 आयोटा इसी था ये रेडियस 2 है 2 आयोटा आ गया। 10 मिनट के बाद हमारी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, चलिए सुन लें तो यू रिप्रेजेंट ऑल द एंगल्स, फिर ये 90 हो गया था, फिर यहाँ से यहाँ तक 162, फिर यहाँ से यहाँ तक 234, फिर यहाँ से यहाँ तक 306 तमाम एंगल्स ये लेके आए आखिरी बार, फिर यहाँ पर जेड 4 आ गया। अब पूछिए एनी बॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन टुडे, हाँ जी बताएं, ये कॉम्स हो गई इतना मुश्किल सवाल है कि सो गए लोग भाई, ये करने में लेंथी जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हाँ या ना सर, पेपर में डायग्राम भी बनानी होगी, अगर आपसे कहा जाए ना कि शो योर रूट्स ऑन द अर्गन डायग्राम तो ऐसे बना दें, तो आपको एक कंपस रखने की दायरा लगा दी जाएगी और दायरे पे बना दीजिए, आपको असाइनमेंट मैं दूंगा ना डायग्राम बनाने के लिए क्योंकि वो तो घर में सुकून से बैठ के कर, पेपर में शायद ना दूँ क्योंकि वहाँ टाइम थोड़ा होता है, घर पे तो बहुत टाइम है ना ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि फिर ये चैप्टर आज का खत्ता हूँ, देखिए क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ 37, इसके बाद नो मोर क्वेश्चन। अभी कह रहे फाइंड द सिक्स्थ रूट्स ऑफ जेड इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 आयोटा इन पोलर फॉर्म, अब आंसर इसने कहा पोलर फॉर्म में, हमने पिछली दफा क्या कहा था उसने कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर लिखा, ये पोलर फॉर्म में लिखना आसान है, हमें उसी में आर और थीटा में रख के हम छोड़ देंगे खुश, ज़्यादा आसान है ये हमारे लिए। आइए जी सबसे पहले इसको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, इक्वेट करना है जनरल फॉर्म में, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, आर निकाल लेंगे आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अल्फा निकालनी है पहले इसको प्लॉट कीजिए, दोनों नेगेटिव हैं तो ये आ जाएगा थर्ड क्वार्टर में आपकी रेफरेंस ट्रायंगल, अल्फा देखिए हम कैसे निकालेंगे दोनों को पॉजिटिव करके वैल्यू फिट कीजिए 2/2 यानी वाई ऊपर आता है याद रखिएगा हमेशा और नीचे एक्स की वैल्यू, तो टेन इनवर्स 1/√3 अभी बताया था कितना एंगल होता है ये 30 डिग्री। चलिए जी दिस एंगल अल्फा इज द रेफरेंस ट्राइंगल में एज शोन ये लिखा हुआ है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आते तो हम इसमें 180 ऐड करते हैं ना, अब तो याद हो गया होगा तो थीटा विल बी 180 प्लस अल्फा, 180 प्लस 30 डिग्री 210, ये एक्चुअल हमारे यहाँ से यहाँ तक एंगल हो गया इस ओपी तक, यहाँ से शुरू करेंगे तो 210। पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे 4 times cos 210 प्लस आयोटा साइन 210। अब हमने निकालने इसके सिक्स रूट निकालने से पहले उसमें जनरल एंगल ऐड करेंगे, लिखा मैंने तो फॉर सिक्स रूट्स वी टेक पावर 1/6 एंड ऐड द जनरल एंगल k times 360 ये एंगल, तो 4 तो ऐसे ही रहा
cos times 210 plus k times 360, इसी तरह प्लस आया था 210 plus k times 360, अब सब की पावर 1/6। मैं दो ब्रैकेट्स क्यों लगा रहा हूँ, वन तो है cos और आयोटा साइन को बंद करने के लिए और फोर बाहर है, इसलिए स्क्वेयर ब्रैकेट भी लगा दो पावर 1/6। तो हमारा k क्या होगा, ये पावर 6 है ना, मैंने कहा 5 तक जाएगा, 0 से लेकर 5 तक k की वैल्यू होगी। अब लगाइए डी मोरिस थ्योरम, अप्लाई द डी मोरिस थ्योरम फॉर द रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या तरीका कार होता है कि ये r विल बी रेज्ड टू दिस पावर, तो 4 की पावर 1/6 हो जाएगा cos ऑफ, और ये 1/6 इस एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा एम्पलीट्यूड से, ये थीटा ना हमारा 1/6, सिमिलरली sin 1/6 टाइम्स दिस। अब आप 1/6 को आप अंदर लिख दें इसके नीचे, और 4 की पावर 1/6 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, 1.26 आ रहा है, ठीक। और इसको हमने एक्ज्यूम कर लिया, लेट जेड इज के इज इक्वल टू दिस मच। अब हम k को एक एक करके यहाँ से एक वैल्यू लेंगे, तो k 0 व्हेन k इज 0 पहला रूट आएगा, तो ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है, तो एक को 0 रखो, k 0 हो गया तो 210/6 आएगा, इसको डिवाइड किए 235 डिग्री, बस उसने कहा पोलर फॉर्म में छोड़ना, आगे हमने इसकी कैलकुलेटिंग करना, दिस इज योर फर्स्ट रूट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया करें कि अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कहता तो फिर हम इसमें इसकी वैल्यूज भी रखकर फिर मल्टीप्लाई करते, इसने पोलर फॉर्म में पूछा है, सो वी आर लीविंग अवर आंसर हियर। व्हेन k इज 1, k को 1 रख दें यहाँ पे, तो 360 प्लस 210 आंसर हो गया 570/6, दोनों का डिवाइड कीजिए तो 95 डिग्री। k को 2 रख दें इस फॉर्मूले में, 720 हो जाएगा, 720 प्लस 210 930 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 155 डिग्री आएगी। आर हमेशा वही रहेगा सबके लिए सेम, कर लेंगे आप क्यों भाई, 3, 4, 5 रूट्स सारे पुट कर लोगे या नहीं कर लोगे, बोलो हाँ या ना जी। कॉम सो गई जी सर? सो गई नहीं, कर लेंगे ठीक है, चले बस इसके साथ मेरा ख्याल है आज हमने अच्छा खासा ठीक से पढ़ लिया। अब बहुत सारे नोट्स भेजिएगा व्हाट्सएप पे जी, व्हाट्सएप पे ये नोट्स व्हाट्सएप पे भेजो आपको, मैं उसके ऊपर डालूंगा एलएमएस पे, ठीक है सर? ठीक है। और दूसरा एक है ना, इसकी एक्सरसाइज से ना क्वेश्चंस कर लीजिएगा, एक्सरसाइज मैंने दी कि नहीं, अच्छा आगे मैं देखता हूँ मैंने और क्या दिया। देखो ये मैंने आपको डिटेल आपकी समझाने के लिए लिखी है, टू फाइंड थीटा इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना तो अल्फा और थीटा बराबर होंगे, ये देखा थीटा अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से अल्फा को माइनस कर देते हैं, ये है ना रेफरेंस ट्रायंगल, इसका अल्फा 180 से माइनस कर देंगे थीटा निकालने के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं 180 में ऐड कर देते हैं अल्फा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किससे माइनस करते हैं बताओ, 360 से, है ना। तो सारी चीजें मैं आप सबके लिए आसानी के लिए लिख दी है, अगर कुछ चीज भूल रही हो तो यहाँ से देख लेना कि किस क्वाड्रेंट में क्या है। देखो मैंने चारों क्वाड्रेंट बना दिए रेफरेंस ट्रायंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो थीटा और अल्फा बिल्कुल बराबर होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा 180 माइनस अल्फा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस अल्फा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है ना, ये है देखे, मेरा असिस्टेंट जो है ना इस काम में मेरा बेटा है, वही सारे काम वो करता है, कहाँ एलएमएस पे कैसे डालना है सारा मीटिंग, तो वो दो क्लासेस मेरी और होती रहता है, वो मैं सारी इकट्ठा कर लें तीनों लेक्चर में, ठीक है। ये फिर चौंचे कोई लड़ा रहे बैठ के, ये कौन है विद्यान्याल, ये फिर शर्पसर ननासर फिर हमारी क्लास में घुस आए, म्यूट कर दिया उसको, म्यूट कर दिया हाँ बस ये अच्छा है। नहीं नहीं सर, वो अपने क्लास का था, उसका गलती से माइक ऑन हो गया था, म्यूट कर दिया उसको। अब ये किसका माइक ऑन, चलिए अपनी क्लास का था, इसने
म्यूट कर दिया सर उसको दोबारा, बहुत अच्छे क्लास की है वो। आइंदा भी इसी तरह कंट्रोल कीजिएगा, ये एक दो दफा जब ये अपनी मुंह की खाएंगे ना उसके बाद फिर ये आइंदा ये जरूरत नहीं करेंगे इस क्लास में आने की। ये वो लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है और ये चाहते हैं कि हम किसी तरह फसाद बर्पा करें। लेकिन इनको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिल जाता है, ये वाला जो किसको कहते हैं ना लिंक नंबर, आप उसे कोई देता होगा ना? नहीं सर, वो असल में करते हैं यहाँ अपनी क्लास के कोई होते हैं बच्चे तो वो मीटिंग के ना आईडी शेयर कर देते हैं, जूम आईडी। हाँ हाँ, तो उस वजह से फिर वो बाकी भी आ जाते हैं। लेकिन जूम आईडी जो आप शेयर करते हैं तो आप अपने किसी क्लास वाले को करेंगे ना, किसी बाहर वाले को करेंगे तो फिर वो जाहिर है वो फसाद खड़ा करेगा आकर। सर बस कोई बस ऐसे शुगर लगाने के लिए सर कोई दोस्तों के साथ कर देते हैं तो जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने खुद पढ़ना वढ़ना नहीं होता, वो कहते हैं चलो भाई अपने किसी दोस्त को बुला लो और लेट्स हैव ए फन। भाई क्लास में फन अगर क्रिएट करोगे तो वो बाद में क्या बनेगा सोच ले, फिर अंजाम बुरा। लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। चलिए आप लोग यूनिवर्सिटी खुल रही है कि नहीं खुल रही है बताइए। बिल्कुल सर। कब खुल रही है सर? यकम का सुना तो है, यकम से कह रहे हैं ये तो गवर्नमेंट ने बोला है ना, इंस्टीट्यूट ने थोड़ी बोला है। पिछली दफा में जो मेरी क्लास थी वो बच्चे जाते थे लैब के लिए, मेरे क्लास के स्टूडेंट, क्योंकि लैब तो हम वो ऐसे ही होगा। मेरा ख्याल है क्लासेस जो है ना जो हम लोग ऑनलाइन चला रहे हैं ये ऐसी चलेंगी, ऑनलाइन के अलावा और कुछ मुमकिन नहीं है।